और मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जून जुलाई आते ही फलों का राजा आम जो है सबके मुंह में पानी पानी आ जाता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आम खाना पसंद करते हैं। एक से एक वैरायटियां महंगे से महंगे आम खाना पसंद करते हैं। वहीं पर जनकपुरी हाट मेले में लगाए गए विभिन्न तरह के 500 से ज़्यादा किस्म की आम की वैरायटियां देखने को लोग उमड़ पड़े। और मैं आपको बता दूं यह स्वादिष्ट और खट्टे मीठे आम भी देखने के लिए लोग ललायत रहे। आपको मैं बता दूं आम खाने से कई फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट। शारीरिक गतिविधियां सही रहती है और आपके जितने जो है पेट के रोग होते हैं सारे दूर रहते हैं। आइए हम एक जो है दुकानदार से जानते हैं किस तरह से आम के बारे में बताते हुए। आम कितने दे रहे हो? आम 50 रुपये दे। अच्छा, कैसा लगता है आपको ये आम? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मीठा है? बहुत मीठा है। अच्छा, ग्राहक को क्या बताना चाहते हो? अब सीजन जा रहा है। अब सीजन जा रहा है तो लोगों को और खरीदना चाहिए ना? आज ज्यादा खरीदने चाहिए, सस्ता। दो दो तीन तीन किलो, पाँच पाँच किलो, दस दस किलो। अच्छा, उसके बाद में एक किलो को पैसे। अच्छा, आम आम और खाना चाहिए? आपका सीजन चल रहा है, आप तो खाना चाहिए आम। अच्छा, जून जुलाई आता है तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है आम के लिए ना? और अच्छा, आम खाने से क्या फायदा होता है? कैल्शियम बनता है। कैल्शियम? हाँ, क्या मिलता है? आम से कैल्शियम बनता है, जिस्म के अंदर शरीर में फुर्ती आती है आम से। और पेट वगैरह साफ रहता है ना? साफ फैलता है जिस्म, पूरा शरीर बहुत सारी रोग से निरोग रहता है, साफ बीमारी खत्म हो जाती है। से लेकर 7 जुलाई तक यहाँ पर आम के फेस्टिवल लगाए गए थे। हर साल लगाया जाता है, 31वां फेस्टिवल सम्मेलन था। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हर साल जो है मैंगो के विभिन्न तरह के किस्म दिखाए जाते हैं और आप चाहें तो खरीद कर यहाँ से ले भी जा सकते हैं। तो यहाँ आम के जो फेस्टिवल लगाए जाते हैं जनकपुरी हाट मेले में है। और यहाँ पर जो है हर साल जो है इस तरह के मेले लगाए जाते हैं, विभिन्न तरह के दिल्ली वासी जो है यहाँ पर आते हैं आम के फेस्टिवल देखने के लिए, विभिन्न तरह के जो है आम के वैरायटी देखने के लिए। आप देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ी हुई है, आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ होगा। मैं आपको एक बस सीढ़ी का सीन दिखा रहा हूँ, बाकी अंदर आप देखिए कितनी भीड़ है। आम के विभिन्न तरह के किस्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सिसोदिया जी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर जो है उद्घाटन किए। और मैं आपको बता दूँ आम खाने से बहुत ही मज़ा आता है और आम खाना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो पेट के रोग होते हैं वो दूर भी हो जाते हैं। आम अच्छे भी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बचपन में था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बगीचे में जाकर आम जो है तोड़ तोड़ के खाते थे। आगे देखिए, फलों का राजा आम मैंगो जहाँ पे आज सेलिब्रिटी लगाया गया है जनकपुरी हाट मेले में, और बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे लगाई गई है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा वैरायटी लगाई गई, मैं आज इसी स्टॉल पे हूँ जहाँ मुजफ्फरनगर ये आम का सबसे बड़ा मशहूर माना जाता है, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। मैं आपको बता दूं जिस तरह से मेरठ में आम का जो है खान है, आम का एक बगान लगाया गया है, आम का एक बहुत बड़ा दृष्टि दिखाई देती है। आम खाने के लिए सभी लुक लेते हैं। आज गर्मी का जिस तरह से लुक चल रहा है, गर्मी चल रही है और लोग आम खाने के लिए और आम देखने के लिए आज जो है जनकपुरी हाट मेले में जरूर पहुंच रहे हैं। और आज जो है लास्ट डेट है, आज जो है 7 तारीख है, आज खत्म हो रहा है। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ सुशोदिया जी जो यहाँ पर आए थे उद्घाटन करने के लिए 5 जुलाई को, आज तीसरा दिन है, आज समाप्ति का दिन है। और जिस तरह से आज मेला लगाया गया है, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर 3 दिन का मेला है तो उसे 15 दिन कम से कम करने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी है और आम तरह तरह के लोग खाने की जरूरत होता है। और खाने के अलावा यहाँ जो आम जो है आम का राजा, फलों का राजा आम होता है, बहुत तरह के वैरायटी यहाँ पे मिलते हैं और यहीं पे नजारा आता है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। और गांव वाला भी इस तरह से आम वैरायटी नहीं देख पाता है जिस तरह से यहाँ पे जनकपुरी हाट मेले में आम के जो है फल दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के दिखाई दे रहे हैं। आइए, हमारे साथ एक दुकानदार है, ये कितने का क्या बेच रहे हैं और क्या वैरायटी है मैं जानूंगा, आम के किस्म का वैरायटी क्या है।
सर आम का वैरायटी जो है कैसा है? आम हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, 15-16 किस्म के हमारे बगीचे में आम होते हैं, उन्हीं के सोचने से हम यहाँ पर आते हैं जी। हमारे यहाँ चौथा है, लिम्बा है, गुलाब जामुन है, किशमिश है, काजू किशमिश है, हाथी झूल है, मलिका है, नकली मलिका है, हमारे यहाँ अनेक तरह की वैरायटी हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चेयरमैन साहब कहते हैं और बहुत अच्छा मेला है, बहुत लोगों की हम सेवा करते हैं यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छे यहाँ पर आदमी है। और कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारे यहाँ का चौथा है, बहुत फेमस चौथा है। अगली बार हमारे यहाँ बारिश ना होने के कारण ये थोड़ा छोटा रह गया है, और बारिश से हमारे यहाँ 2 दिन मेले से पहले शुरू हुई थी। अगर मेले के 8 दिन बाद ये बारिश होती, मेला 8 दिन बाद होता, तो इसका वजन बहुत होता, काफी लंबा होता। बहुत बढ़िया मेला है, बहुत बड़ा मेला है, बहुत अच्छा मेला है। किशमिश का है, सब वैरायटी हमारे यहाँ मिलती है। लंगड़ा वगैरह जो है उस तरह? हाँ, हमारे यहाँ लंगड़ा बहुत मिलता है। लंगड़े के हमारे यहाँ के किस्म के हैं, मक्खन लंगड़ा है, बनारसी लंगड़ा है, देसी लंगड़ा है, सादा लंगड़ा है, 5-6 तरह के हमारे यहाँ लंगड़े हैं। और इस बार हम जो है सब वैरायटी लेकर आए थे, और सब बहुत अच्छा थे, सप्लाई किया, सब लोगों की बहुत सेवा की। आपका कितना बिक्री हो गया? लगभग बिक्री तो 1-1.5 लाख के बीच में हुआ है, और इसके साथ ये तीसरे दिन की बात है, शुरू में थोड़ा काम हल्का था, लेकिन उसके बाद में इतना हम माल लाए, सब बिक चुका है। आप देख रहे हैं कि जिला पे हमारा माल चुका है, सिर्फ 8 रुपये की बची है, और ये भी बिक जाएगी तारीख सुबह ली के 2 दिन में। आज खुशियों का बात होता है, जो फल के लिए अगर कोई बिक्री करने के लिए आता है, खुशी होती है, हमारा देश, हमारा समाज। और आम कितने मिला? 500। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कितने किस्म वैरायटी आपने देखे? बहुत अच्छी। आपने इतना गांव में देखे थे? हाँ जी। आम 500 जो किस्म की वैरायटी आम आपने देखे हैं, इतना गांव में मिला था देखने के लिए? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम जी? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आम आज लास्ट डेट है, कैसे रहा आपका? बहुत बढ़िया। कितने बजे से आ गए थी आप आम का बाजार देखने के लिए? 6 बजे से। तो आपने इतना आम का जो आज यहाँ लगाया गया है, कैसे लग रहा है, और देश दुनिया को क्या बताना चाहती हो आप? यही कि इंडिया में आम जो है, इंडिया से अच्छा आम शायद से और मिलता है। जी जी। और लोगों को और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए? बस थोड़ा सा जो वो है, और प्रचार प्रसार करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और। अभी अभी लोग बाहरी लोग नहीं जानते, केवल जनकपुरी के लोग और दिल्ली के लोग भी आधा नहीं जानते इसे कि फेस्टिवल लगाया जाता है यहाँ हर साल। और आप क्या कहना चाहती हो? और किस्म की वैरायटियां दिखाई जा रही आमों का, या सब या आप जनकपुरी हाट मेले का है। और इस समय आपको मैं बता दूं, ये 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आम के बड़े बम्पर के साथ यहां पर दिखाई दिया, किस्म कई वैरायटियों के साथ था। आगे आप मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम जिस तरह से आप देख सकते हैं आम की किस्म, और यहां पे
विभिन्न तरह के हैंडलूम के व्यवस्था भी किया गया था, आप खरीदारी भी कर सकते हैं। मूर्तियों का भी यहाँ पर जो है विभिन्न तरह की मूर्तियाँ भी सजाई गई थी, और लोगों को जो है खरीदारी अगर परचेजिंग करना है, शॉपिंग करना है, तो आप बड़े आराम से हैंडलूम और गारमेंट्स वगैरह सारे चीज़ आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये भी मेला जो है लगाया गया था। ये हाट मेला जनकपुरी का सीन है और आपको यह दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से आम के मेले में या विभिन्न तरह के वैरायटियाँ जो मैं कभी देखा ही नहीं था, इतनी वैरायटियाँ आम के होते हैं। 500 से ज़्यादा किस्म के अपने भारत में आम जो है पाए जाते हैं, आम के किस्म पाए जाते हैं, आम जो है देखने के लिए। और भारतीय जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों का यह देखकर 31वां समारोह है। यहाँ पर जो है हाट मेला हर साल लगाया जाता है आमों का, और यह हाट मेला बहुत ही शानदार होती है। लोग दूर दराज के लोग आते हैं, खरीदारी भी करने आते हैं, और 600 का पेटी आपको 200-300 में वहाँ पे मिल रहा है। और जो है या आप देख सकते हैं आमों का किस्म, जिस तरह से भीड़ आप देख लिए, या भीड़ एक काबिले तारीफ है। और आमों का फेस्टिवल या जो है दिल्ली सरकार जो है लगवाती है हर साल। और मैं आपको बता दूं जिस तरह से या सिसोदिया जी यहां पर आए थे समारोह में और उद्घाटन करने के लिए आए थे, और यहां पे एक देखिए विभिन्न तरह के भगवान की तस्वीर, और आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के जो है यहाँ पे क्राफ्ट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर नज़ारा के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, या जो है फेस्टिवल कितना सुंदर है, लोग देख रहे हैं। आगे आप तैयार करते हैं? हम यही दिल्ली हाट में करते हैं, और जो घर में सारे आर्टिस्ट हैं तो इसमें घर में भी क्रिएशन होती रहती है, आइडिया सारे घर से निकलते हैं और यहाँ पे आके हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ मिल सकते हैं? दिल्ली हाट जनकपुरी में ही हम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, परमानेंट आप यहाँ रहते हैं? हाँ, परमानेंट तो नहीं है, बट हाँ हमारा जो है यू क्रिएटिव क्राफ्ट है। हेमा मेहरा जो है वो मेरी मदर है, जो यहाँ की सुप्रीम आर्टिस्ट है, तो उन्हीं की सारी क्रिएशन जो है हम यहाँ पे दिखाते हैं। हम सब उनके हेल्प करते हैं एज अ फैमिली मेंबर, तो बेसिकली फैमिली है जो लोगों के घर को खूबसूरत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह के, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको कितना कलात्मक रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं कि देखिए छोटी छोटी बिल्कुल चीजें हैं, इसका देखिए पूरा जो है रंग रूप ही पूरा बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए चाय की केतली है, लेकिन इसका कलात्मक रूप इतना दे दिया गया है, बहुत सुंदर बन पड़ी है। आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको आगे लेकर चलते हैं। योगी वीरेंद्र गुप्ता जी शालीमार बाग से दिल्ली से हैं, और वो लगातार जो है सामाजिक गतिविधियां और सामाजिक कार्य शैलियों में हमेशा आगे चलकर जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते रहते हैं। वीरेंद्र जी भी बहुत ही जो है जिस तरह से उनका यह रुतबा देखा गया और बहुत सराहनीय रहा। वीरेंद्र जी एक सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी हैं, और वो लगातार जो है हमारे सहयोग करते रहे हैं, और विभिन्न तरह के जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ वैरायटियाँ जनकपुरी हाट मेले का है, और हाट मेले में भी वीरेंद्र जी हमारे साथ वहाँ मौजूद रहे, और वहाँ पर पहुँचकर जो है इस तरह के रिपोर्टिंग किया गया। और वीरेंद्र जी एक सामाजिक सोशल वर्कर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, और मैं आपको दिखा दूँ आम के किस्म के विभिन्न तरह के जो है किस्म पाए गए हैं आम के। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।